प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस कैसे बनाते हैं, आइए हम इसको प्रयोग के माध्यम से देखते हैं। इसके लिए हमको जो सामग्री की आवश्यकता होती है, जिंक मेटल की आवश्यकता होती है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जिंक मेटल किस प्रकार की होती है, आप देख सकते हैं, है ना, ये इस प्रकार के, ये आप देख रहे हैं कि ये जिंक के हमने पीस ले लिए हैं और इनको हमने बीकर में डाल दिया, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएंगे और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाने के बाद हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, इतना हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएं कि ये इसमें डूब जाए। अब जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला देंगे तो आप उसमें ऑब्जर्वेशन करेंगे, हाँ, ये एक और सेट हमने तैयार किया है, ये भी आप देख सकते हो, उसमें भी थोड़ा समय लगेगा, हाँ नहीं उसको भी रहने दो, हाँ इसमें देखिए इसकी सतह पे बुलबुले निकल रहे हैं, साइड से भी दिखा सकते हो तुम, ये साइड में दिखा सकते हो, बुलबुले दिख रहे हैं उसमें, तो आप ये देख सकते हो कि ये जो यहाँ पे आप बबल्स देख रहे हैं, ये बबल्स हाइड्रोजन गैस के बबल हैं, अर्थात जब जिंक HCl से रिएक्शन करती है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस, Zn प्लस टू HCl इक्वल टू ZnCl प्लस H2, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बन रही है। इसको एक बार फिर से दिखा सकते हो कि हाइड्रोजन गैस कैसे बन रही है ना।